हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतनेता। हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे तीनों कृषि कानूनों के, क्योंकि तीनों कृषि कानूनों का लगातार किसान विरोध कर रहे हैं और किसानों की ओर से जो है वो प्रदर्शन किए जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि या तो इन तीनों कृषि कानूनों में एमएसपी बरकरार रहेगी, लिखित रूप से किसानों को दिया जाए। पंजाब और हरियाणा और दिल्ली से सटे हुए तमाम क्षेत्र के जो किसान हैं वो यहां पर डटे हुए नजर आ रहे हैं, टीकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर। तो ऐसे में जो यहां किसान डटे हुए नजर आ रहे हैं, उन किसानों का बार बार यही कहना है कि वो या तो इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करा के अपने गृह राज्य लौटेंगे या फिर इनमें संशोधन किया जाए, एमएसपी बरकरार रहेगी, ये लिखित में तमाम किसानों को दिया जाए। तो हरियाणा की आवाज में हम तमाम जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे हम यही प्रतिक्रिया लेंगे कि देखिए, सरकार और किसानों के बीच में विज्ञान भवन में बातचीत जारी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या केंद्र सरकार किसानों की जो मांगे हैं उन्हें पूरी कर पाएगी या फिर जो किसान हैं वो आंदोलन ऐसे ही करते नजर आएंगे या फिर आंदोलन पर लगातार डटे हुए नजर आएंगे। जानकारी दे दें कि राजनाथ सिंह की अगुवाई में बातचीत चल रही है और सरकार से कुल 35 संगठनों के प्रतिनिधि बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या विज्ञान भवन से मिले ज्ञान से संतुष्ट होंगे किसान? किसान से जो सरकार की बातचीत हो रही है, क्या वो अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच पाएगी या ये कहें कि निष्कर्ष यहां से निकल पाएगा? कृषि कानून में क्या संशोधन होगा या निरस्त होगा ये कानून? कृषि कानूनों पर आपकी क्या राय है ये भी आप हमें बता सकते हैं, हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो सरकार और किसानों के बीच विज्ञान भवन में बातचीत जारी है, राजनाथ सिंह की अगुवाई में बातचीत की जा रही है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में बातचीत की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार किसानों से बात करने की कोशिशें करते रहे हैं। वेद प्रकाश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देना चाहेंगे? क्या लगता है कि सरकार और किसानों के बीच में जो बातचीत हो रही है, क्या परिणाम चाहते हैं आप? परिणाम चाहिए सरकार, अगर हमारी बातें सुने, आंदोलन खत्म करवा, एमएसपी लागू करे तो बहुत अच्छा रहेगा जी। बाकी हमें लगता नहीं सरकार कुछ ऐसा करेगी। वेद प्रकाश, आप चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो? हाँ जी। क्यों? ताकि माहौल खराब ना हो जी, माहौल ठीक रहे, आपस भाईचारा बना रहे, देश की तरक्की हो। लेकिन ये सरकार ऐसा करना नहीं चाह रही है जी। तो हमने लगता नहीं जी, बहुत मुश्किल है कि सरकार कोई करेगी तरीका कोई था। तो फिर तो आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा क्योंकि किसान मन बना चुके हैं वेद प्रकाश के, या तो इन कानूनों को रद्द कराए या फिर इनमें एमएसपी जारी रहेगी, लिखित में दिया जाए किसानों को। हाँ जी, अगर लिखित में देंगे, तीनों कानून रद्द करेंगे तो बात अच्छी है जी। बाकी सरकार हमें लग नहीं रहा आगे इस तरीके का कोई काम करेगी, खाली आश्वासन बैठाना चाह रही है सरकार किसानों को वहां से। बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़ें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि देखिए किसानों के जो 35 संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो सरकार से बात कर रहे हैं और विज्ञान भवन में बातचीत जारी है। अब सवाल ये है कि देखिए, पहले भी जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किसानों को कहा कि 3 दिसंबर से पहले वो किसान प्रतिनिधियों से बात करेंगे, किसान प्रतिनिधि चाहे, किसान नेता चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं, बातचीत से ही जो समस्या है उसका समाधान निकलेगा, बातचीत से ही निष्कर्ष निकल पाएगा कि किसान अपने गृह राज्य जाएंगे या फिर यहीं पर डटे रहेंगे। तो ऐसे में आज जो ये बैठक हो रही है, बैठक बेहद अहम मानी जाए क्योंकि इसी बैठक से ही महत्वपूर्ण निर्णय निकलेंगे, यहीं से तमाम किसानों को पता चलेगा कि वो गृह राज्य वापस लौटें या फिर अपने इस आंदोलन को ऐसे ही जारी रखें। मनोज जींद से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनोज, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या लग रहा है, क्या सरकार बैकफुट पर आएगी, सरकार मानेगी किसानों की बात, क्योंकि आंदोलन देखिए लगातार जारी है किसानों का? जितना बड़ा ये आंदोलन बन चुका किसानों का, सरकार को बैकफुट पे आना ही होगा। जितने ये आंदोलन जितना बड़ा होता जाएगा, सरकार की दबाव में आएगी तभी बात बनेगी और ये तीनों कृषि कानून रद्द होंगे मैम, बिल्कुल होंगे। आपको लग रहा है? मैम रद्द करने पड़ेंगे, सारा देश का किसान दिल्ली पहुंच चुका है।
नहीं तो सरकार का कोई वो नहीं रहेगा। चलिए बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। तो किसान आंदोलन को लेकर 35 प्रतिनिधियों के साथ 35 अतिरिक्त लोग जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और अब जो है बैठक जारी है, वार्ता चर्चा हो रही है, क्या निर्णय लिए जाएंगे, क्या निर्णय होंगे वो भी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखी, क्योंकि देखिए लगातार किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था। किसान लगातार ये कह रहे थे कि या तो इन कृषि कानूनों को रद्द किया जाए या फिर इनमें संशोधन किया जाए। अब कृषि कानूनों पर आपकी क्या राय है, आप ये हमें फोन कर बता सकते हैं। कृषि कानून में क्या संशोधन होगा या फिर ये कानून निरस्त किया जाएगा, ये भी आप बता सकते हैं। तो दिल्ली की सड़क पर किसान डटे हुए हैं, किसान संगठन बिल वापस लेने की मांग पर अटे हुए हैं। किसानों की प्रदर्शन के कारण सिंधु टेकरी बॉर्डर भी बंद है। तो किसान संगठन बिल वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं टेकरी बॉर्डर पर और सिंधु बॉर्डर पर। किसान आंदोलन के बारे में उनका क्या सोचना है, क्या कहना, क्योंकि देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत जारी है और सरकार से कुल 35 संगठनों के प्रतिनिधि बात कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि विज्ञान भवन में मिले ज्ञान से संतुष्ट होगा किसान, किसानों से बात कर रही सरकार को क्या सफलता मिलेगी, क्या किसान सरकार के साथ जो बातचीत हुई है उसमें जो जो बिंदुओं पर सहमति होगी क्या उनसे तमाम किसान सहमत नजर आएंगे, तमाम किसान संतुष्ट नजर आएंगे। कृषि कानूनों पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है कि कृषि कानून जो है ये कितने भविष्य के लिए सकारात्मक हैं या फिर कितने नकारात्मक, आपका क्या सोचना है इस बारे में जरूर अपनी राय दें। हमारे साथ कार्यक्रम में जरूर जुड़े। रोहतक से कार्यक्रम में हमारे साथ सुरेंद्र दलाल जुड़ चुके। सुरेंद्र आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देना चाहेंगे, क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार मान लेगी किसानों की बातें? मैडम आज भी नहीं मानेंगे, आज तो ये वैसे वापस भेज देंगे, ये नहीं माने। मानने तो किसान बुलाने की जरूरत थोड़ी थी, मानना तो उन्होंने है, किसानों ने थोड़ी मानना है, इन्होंने मानना है। ये सारी खाली ये बेवकूफ बकाने वाली बात कर रहे हैं। ये कहे बिल वापस हम ले नहीं, ये तो किसान कहे बिल वापस लो तो सरकार कहाँ मानी है, मानने वाले नहीं है, खाली आज बुलाकर वापस भेजेंगे किसानों को। किसानों की ये सरकार सोच ही नहीं रही। उधर से रतन लाल कटारिया का ध्यान देख लो किसानों के प्रति, ये तो ये सोच रहे हैं कि किसानों को मजदूर से भी नीचे लाना चाहते हैं, किसान मार दो और मजदूर को मार दो। इन्हें कोई किसानों की बात नहीं समझनी, मेरे को नहीं लग रहा बिल्कुल भी। लेकिन ये किसान इसको ये बता देंगे हरियाणा और केंद्र सरकार को हमारे में कितनी शक्ति है, जो धरती को चीर गए पथरीली ककरीली धरती चीर गए, जो इसका पेट भर सकता है तो इस सरकार का भी पेट चीर सकता है वो किसान। यहाँ तन मन धन से आए बैठे हैं और हमने तो तैयारी कर ली है। मेरे गांव से फोन आया था, अगर हमारी जो महिलाएं बच्चे हैं वो भी अपने पशुओं को लेकर आएंगे, अगर आज समाधान नहीं निकलता है तो हरियाणा से हम अपने पशु बुद्धि जो साधन बच्चे हुए उनको लेके आएंगे, वो क्या करेंगे, वो घर पर लोग आई बेचारी और बैठी बैठी रोज पूछे क्या होया क्या नहीं होया। हमने बोल दिया अगर आज समाधान नहीं होता तो महिलाएं बच्चे अपनी बुग्गी साइकिल लेके पशु लेके यहाँ दिल्ली में आएंगे, हम बता देना आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, तमाम अपने जो पशु लेके बच्चे और जितने सभी दिल्ली में आएंगे, मैं ये बता देना चाहता हूँ अगर सरकार कान खोल के सुन ले, आज अगर कोई समाधान नहीं होता है तो हम यही रहेंगे, हमारे क्या करेंगे, उधर महिलाएं दुखी इधर हम दुखी, यहाँ बैठे छह दिन हो गए कोई नहीं सुनने वाला है, ये खाली बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं। बातचीत क्या करनी है, जब कहते इनको विरोध इन कानूनों को वापस ले लो या एमएसपी की गारंटी दे देना, एमएसपी गारंटी देती ना वापस लेने, तो बातचीत तो खाली एक टाइम पास करने वाली बात है। तीन तारीख को फिर बुलाते हैं, मेरा अपनी राय है कि आज काला करके तीन में फिर बुलाओगे, अभी कुछ नहीं होने वाला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देना चाहेंगे? इस कंप्यूटर युग का खेती करने सरकार करना चाहती है ना, कंप्यूटर और खेती का कोई मेल नहीं है, इसमें को फंसा दिया, जब उससे मैसेज आओगे जब फसल जाओगी फसल देगा, कंप्यूटर युग का प्रयोग नहीं होना चाहिए खेती में। चलो बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शकों से हम यही जान रहे हैं कि देखिए किसानों का तो कूच जो है वो लगातार जारी है,
किसान लगातार डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं जो यहां दिल्ली नहीं पहुंच पाए, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर नहीं पहुंच पाए, उन किसानों का ये कहना है कि उनके घर में जो पशु बंधे हुए हैं, जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो बुग्गी है, जो खेत का जो तमाम सामान है उसको लेकर भी वो दिल्ली कूच करेंगे। उनका कहना है कि अगर खेती किसानी ही नहीं रहेगी, अगर उनके खेत ही नहीं रहेंगे तो वो अपने कृषि के औजारों का करेंगे क्या, कृषि की सामग्री का करेंगे क्या। तो तमाम जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़ें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं और हमें बताएं कि उनका क्या सोचना है, क्या कहना है। फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में बातचीत की जा रही है, किसानों के 35 संगठनों के प्रतिनिधि बात कर रहे हैं और ये देखना होगा कि किस बिंदु पर केंद्र सरकार के बीच में, किसान प्रतिनिधियों के बीच में सहमति बनती है, किसान शांत होते हैं, संतुष्ट होते हैं और अपने गृह राज्य लौटते हैं या फिर नहीं, ये तो वक्त ही तय कर पाएगा। बैठक के बाद ही तमाम जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी, तमाम जो फैसले हैं वो पता चलेंगे।